नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, महिलाएं असुरक्षित, रोजी रोटी और बेटी की रक्षा के लिए करे भाजपा के पक्ष में मतदान। मुझे चिंता है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रकार के गुंडा राज और सरेआम दिन में कातिलाए हमले में, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सहारनपुर हो, जिस प्रकार से लोगों की हत्या की जा रही है, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के युवा युवती, यहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सहारनपुर में गांधी पार्क स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 5 फरवरी को होगा पुरस्कार वितरण समारोह। हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय सहारनपुर द्वारा 47वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता, जो कि 2 तारीख से 5 फरवरी तक 2017 की आयोजित हो रही है, और यहाँ पर हमारे सहारनपुर के मुक्केबाजों का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। मैं हमारे बॉक्सर, 2 बॉक्सर सहारनपुर मंडल खेले हैं और दोनों ही ने प्रथम चक्र में नॉकआउट कर अपना उत्तम प्रदर्शन किया। सावा में अंबाला रोड स्थित शक्तिपीठ वैष्णो धाम मंदिर पर चतुर्थ वार्षिकोत्सव एवं अखंड शक्त चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश पूजन एवं ध्वजारोहण कर अखंड पाठ प्रारंभ किया गया। मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत सहारनपुर में जेवी जैन इंटर कॉलेज द्वारा मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ प्रधानाचार्य अतुल कुमार जैन और कॉलेज प्रबंध कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष कुलभूषण कुमार जैन ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर किया। विद्यालय ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में हमारे विद्यालय के बैंड के छात्रों ने, NCC के, NSS स्काउट और उसके अलावा अन्य छात्रों और सभी अध्यापक और अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। सहारनपुर में बिजली संविदा कर्मचारी हरपाल सिंह की करंट लगने से हुई मौत। परिजनों ने जेई व एक अन्य अधिकारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। वहीं अधिशासी अभियंता योगेश कौशिक ने बताया सभी आरोपों को निराधार। नीचे खड़े होकर काम बतावा, और आज वो खंभे पर चढ़ाया, जेई ने चढ़ाया। क्या बंद नहीं करती लाइट? लाइट बंद नहीं करी थी क्या? ऐसा अभी 1 बजे करीब सूचना मिली थी, जेई ने बताया कि जो उसका काम करता था आदमी हरपाल नाम का, तो बिना किसी शटडाउन के बिजली करके पैनल के पीछे चला गया। एक मशीन का शटडाउन था जिस पर काम चल रहा था, लेकिन बिना किसी शटडाउन के पीछे चला गया, और उसने पता नहीं किस नीच से गया, क्या उसके दिमाग में आया, और एकदम जब फ्लैश ओवर हुआ तब पता लगा कि तो पीछे हमारा वो आदमी हो गया, इस पर गिरा पड़ा है, उसको हॉस्पिटल ले गया जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर में मुन्नालाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता की श्रृंखला में अंतिम दिन कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें MA की टीम ने BA सेकंड ईयर की टीम को 36-15 से हराया। प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 18 फरवरी को होगा। हमारे महाविद्यालय में 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिनका पुरस्कार वितरण समारोह 18 तारीख को आयोजित किया जाएगा।